जब पति और पत्नी दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते, उन्होंने मन बना लिया, कोर्ट के समक्ष आकर के आवेदन करते हैं कि हमें तलाक चाहिए म्यूचुअल कंसेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहती है कि भाई जब ये दोनों रेडी हैं और ये दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते तो इनको तलाक दो, 6 महीने की तारीख क्यों दे रहे हो। तो दोस्तों वेलकम है आपका। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से कैसे लिया जाता है और जल्द से जल्द कैसे ले सकते हैं आप। देखो डिपेंड करता है आपके अधिकारी पे, आपका जज किस टाइप का है, किस माइंड का है। क्योंकि देखो मैंने ऐसे जजेस को भी देखा है जो 7 दिन के अंदर तलाक दे देते हैं, लेकिन वो देखते हैं एक कंडीशन, वो कंडीशन मैं वीडियो में आगे चल करके आपको बताने वाला हूँ वैसे। और मैंने ऐसा अधिकारी भी देखा है कि जिसको पति पत्नी को अलग रहते हुए जमाने हो गए, यानी 2-4 साल हो गए, उसके बावजूद भी 6 महीने की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए नहीं मानते। तो वो अधिकारी के मूड पे भी डिपेंड करता है कि आपके क्षेत्र में कौन सा अधिकारी बैठा हुआ है आपकी सीट पर। तो दोस्तों क्या तरीका है, देखो सबसे पहले बात करते हैं आवेदन की। आवेदन पति और पत्नी दोनों संयुक्त रूप से करेंगे, एक ही आवेदन होगा, दोनों के साइन हो जाएंगे उसके ऊपर और कोर्ट के अंदर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो बिना वकील के भी आवेदन कर सकते हैं और आप चाहें तो एक सिंगल वकील करके भी आवेदन कर सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों सिंगल अपने अपने लिए एक एक वकील अधिवक्ता बना करके दोनों की तरफ से भी आवेदन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप दोनों की उपस्थिति जरूरी है, आप दोनों जाकर के आवेदन करेंगे साथ में। अगर आपके वकील भी नहीं आते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ड्राफ्टिंग की वजह से आपको वकील चाहिए होता है ज़्यादातर, यही मकसद होता है हर व्यक्ति का कि ड्राफ्टिंग ऐसी आ जाए कि कल को कोई दिक्कत ना आए हमें फ्यूचर के अंदर, तो इसलिए आप वकील हायर करते हैं। ये बात मैं समझता हूँ, आप भी समझते हैं इस बात को। तो कुल मिलाकर के आपने कोर्ट में जाकर के आवेदन कर दिया। आवेदन करने के समय आप हवाला दे सकते हैं एक जजमेंट का, जो कि अमरदीप सिंह वर्सेज हरविंद कौर का जजमेंट है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जब पति और पत्नी को शादी के बाद अलग हुए हुए, शादी के बाद से कुछ टाइम उन्होंने साथ में गुजारा, उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन है अलग रहने की, उसमें 1 साल 6 महीना हो गया है, तो फिर वो 6 महीने की अवधि तो इसमें इन्होंने काउंट कर ली। 1 साल से अधिक रहने की तो डिमांड है। सेक्शन 13B में आवेदन कब कर सकते हैं हम, जब हमारे को पति पत्नी को 1 साल से अधिक समय हो गया हो अलग अलग रहते हुए। कम से कम 1 साल की आपको बाउंडेशन रहती है कि भाई आपको 1 साल हो गया होगा ना अलग रहते हुए, तब आप सेक्शन 13B के लिए आ सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवर्स के लिए। तो जब किसी व्यक्ति को 1 साल से अधिक समय हो गया है, किसी को 2 साल भी हो गए हैं अलग रहते हुए, तो अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से आ रहे हैं तो उनको 6 महीने जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसकी बाउंडेशन से क्यों बांधा जाए, उनका तो वो टाइम भी गुजर चुका है। 1 साल से तो अलग रह रहे हैं, 1 साल और हो गया उनको, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, तो उस बाउंडेशन को ख़त्म करो। ये जजमेंट मैं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जजमेंट कर दिया है अमरदीप सिंह वर्सेज हरविंद कौर का। अब ये मिसाल है आपके लिए, आप इसको कोर्ट में पेश करो और अपने लिए जल्द से जल्द जजमेंट पाएँ, क्योंकि आपने अवधि गुजार ली है 6 महीने की। 6 महीने की अवधि जो फॉलो करते हैं जजेस कि भाई आपकी शादी को कितना टाइम हुआ, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन कि आप कितने समय से लग रहे हैं। अब उस कम समय के अंदर अगर आपने 1 साल का समय तो बता ही दिया है, उसके अतिरिक्त कितना समय गुजर गया है, 6 महीने से ज़्यादा समय गुजर गया है, तो आप एलिजिबल हो गए हरविंद कौर के जजमेंट को पेश करने के लिए। उस जजमेंट को कोर्ट के अंदर पेश करो, कोर्ट से निवेदन करो कि श्रीमान हमने हमारे सभी मसले हल कर लिए हैं। उसमें आप एक शपथ पत्र पेश कर दो कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दहेज स्त्री धन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड सभी मसलों को हम हल कर चुके हैं, अब केवल और केवल हमें तलाक चाहिए, तो जल्द से जल्द तलाक देने का आपसे निवेदन है। तो कुल मिलाकर के डिपेंड करेगा कि आपके क्षेत्र में कौन से मूड का अधिकारी, किस नेचर का अधिकारी, किस तरीके से उसका काम करने का तरीका है। अगर मेरे हिसाब से ज़्यादातर आपको जो अधिकारी जो मिलेंगे वो उस नेचर के मिलेंगे जो कि इस चीज़ को फॉलो करेंगे हरविंद कौर को, और वो आपको 7 दिन के अंदर भी जजमेंट दे सकते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ कुछ रेयर केस के अंदर ऐसे अधिकारी आपको मिल सकते हैं, वो कहेंगे नहीं साहब 6 महीने का टाइम पीरियड पूरा करो उसके बाद ही तलाक, तो 6 महीने की तारीख देंगे वो। उस तारीख पर क्या होता है, चाहे वो 7 दिन की बाद तारीख हो या 6 महीने की बाद की तारीख हो, दोनों ही तारीखों के ऊपर क्या होगा, होगा ये कि आप दोनों को कोर्ट के अंदर बुलाया जाएगा, आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी शादी कब हुई थी, आप कब से अलग रह रहे थे, और बस यही आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, वो 2 चीज़ें चाहते हैं, एक तो आपकी डेट हुई थी, शादी हुई थी तो डेट पता होना चाहिए आपको, और आप कब से अलग रह रहे हो ये आपको बताना है, एक टाइम पीरियड बताना है जिससे आप वो काउंट कर सकें कि हाँ भाई वो अवधि पूरी हो चुकी है अलग होने वाली, और शादी भी हुई थी, ये भी सच्ची बात है, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, दोनों की कंसेंट है, शपथ पत्र है, तो डाइवोर्स दिया जाता है इन दोनों को। तो कुल मिलाकर के आपको उस सेम डे ही डाइवोर्स की डिग्री मिल जाएगी, और डाइवोर्स की डिग्री इस तरह की दिखती है, आप देख सकते हो, ये आज का जजमेंट है, मैंने आज करवाया था, दोनों ही कंसेंट की, दोनों ही सहमत थे डाइवोर्स के लिए, तो इसको 6 महीने का टाइम देना पड़ा था क्योंकि अधिकारी मेरे दूसरे मूड का है, इसलिए अदरवाइज उनकी भी तलाक 7 दिन में हो सकती थी।
तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके शेयर करके दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर कोई नया व्यूअर देख रहा है हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करेगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।